अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपका भाई दोबारा से आप लोगों को लाहौरी चस्के दिखाने के लिए लाहौर की सड़कों पे निकला है। और क्या मज़ेदार सा दिन है आज। शुरुआत में हल्की हल्की सी धूप है और हवा चल रही है, मज़ेदार सा मौसम है। आज मैं आपको लाहौर की एक ऐसी मज़ेदार सी चीज़ दिखाऊंगा जो तकरीबन हर लाहौरी हर पाकिस्तानी की फेवरेट है। गर्मी है तो हम लोग ज़रा सबसे पहले गन्ने के जूस से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और क्या कमाल का लग रहा था गन्ने का जूस भाई जान। दो गिलास शुरू है, हम तो सुबह के उठे हुए हैं, दिन आपका शुरू है। सुबह के उठे हैं आप, दो गिलास कर दें ज़रा हमारे। ठीक है वो भाई, गर्मियों का गर्मियों की असल सौगात है ये मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा दिल करता है मैं रोज़ गन्ने का जूस पीऊँ। तो मैं डेली पीता हूँ। डेली पीते हैं आप, तभी आप इतने खूबसूरत हैं। चलो चलो ज़रा फुल हैवी मग तैयार हो गए। हाँ भाई कमाल हो गया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिंट गुमरी रोड पे, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे लाहौर होटल। और भाई इस जगह की रौनक कभी कम नहीं हो सकती। सुबह आ जाओ या शाम को आ जाओ या रात को लेट नाइट आ जाओ, लाहौर होटल वाले ये लक्ष्मी चौक वाले एरिए ये एनी टाइम अपने रूज पे होते हैं। और आवाम की क्या रौनकें लगी हुई है यहाँ पे। हमारा जो स्पॉट है वो है अब्दुल करीम रोड पर। हम लोग चलते हैं और जाके वहाँ पर टिकियाँ टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो जो चीज़ें हमें आज नज़र आती रही, कोई पीने वाली कोई खाने वाली, वो साथ साथ हम लोग खाए पियेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फटाफट से चलते हैं और ज़रा आपको कमाल के लाहौरी चस्के मतलब के लाहौर की सबसे आला तरीन टिकियाँ दिखाते हैं। जी हम लोग अपने आज के पहले स्पॉट पे पहुंच गए हैं जो कि है जी किंग बर्गर। और आवाम का यहाँ पे क्या रश लगा हुआ है। यहाँ पे दाल वाली टिक्कियाँ बन रही है, दाल चिकन और उसके साथ चिकन वाली सिंपल टिक्कियाँ बन रही है और धुएँ उड़े हैं, खुशबुएँ आ रही हैं, ज़बरदस्त सा माहौल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी रोड ब्लॉक हो जाएगा जिस तरह आवाम यहाँ पर रश लगा के खड़ी हुई है। फटाफट से चलते हैं और ज़रा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमने गन्ने का जूस पी लिया, उसके साथ ये कमाल की टिक्कियाँ खाते हैं। ओए होए होए भाई चेक करो किस तरह नान फ्राई हो रहे हैं। क्या लगाया हुआ है नान के ऊपर? कसूरी मेथी लगाई जा रही है और इसको अच्छा रायता लगाते हैं और साथ में आयल लगाया जाता है। अच्छा मतलब कि नान फ्राई करके टिक्कियों के साथ ज्यादा जूसी किया जाता है, बहुत मजेदार होता है, जबरदस्त हो गया। वो खुशबू भी कसूरी मेथी की ना बहुत लेवल की आ रही है। और भाई की जरा स्किल चेक करो किस तरह दस्ती नान फ्राई हुए हैं और पहले भी नान फ्राई होके पड़े हैं। तुम ये टिक्की के साथ मुझे लगता है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, कसूरी मेथी वाले नान फ्राई और साथ फ्राई ही टिक्कियाँ, जबरदस्त। धड़ा धड़ भाई रायता पैक हो ही जा रहा है और वहाँ पे नान भी फ्राई हो गए और बाहर बहुत रश है आवाम का। एक मिनट चेक करो जरा आवाम का रश भाई। सड़क ब्लॉक हो गई है जिस तरह आवाम ने यहाँ पे रश लगाया हुआ है, चेक करो जरा। और धड़ा धड़ फुल ऑन टिकियाँ शिकियाँ चेक करो। लाहौर का वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पुलिस वाले भी लाइनों में लगे हैं, वो और यहाँ पे भी पुलिस वाले सारे। ये भाई का बड़ा स्वैग है, उन्होंने पुलिस वाले भी लाइन में लगवाए हैं। मैं जब यहाँ पे आया हूँ तब अभी टिक्कियाँ बन रही थी और 5 से 10 मिनट लगे हैं भाई, सफाया हो गया। अब दोबारा वो लोग बनाएंगे, अभी वो चिकन वाली थोड़ी सी रह गई और बाकी अभी पड़ी हुई है। कितने साल हो गए आपको खाते हुए? तकरीबन 10 से 12 साल। 10-12 साल हो गए ना करो। उस वक्त ये बड़े कम प्राइस में थे, अब तो बहुत ज्यादा इसकी प्राइस हो गई। तो 10 साल पहले वाला जायका मिल रहा है अभी भी? अभी भी वही है। चलो हम मेरा आज से टाइम शुरू होगा कि मैंने कितने साल इसको खाना है। लेकिन देखने में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रही है, मैं कहता हूँ कमाल है, बहुत अच्छा है। जी क्या टिक्कियों का ये प्यारे भाई चिकन वाली टिक्की होती है, ये दाल चिकन मिक्स है, इसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है। ज़्यादा लोग चिकन को लाइक करते हैं। अच्छा चिकन वाली ज़्यादा चल रही है। तो बनने का तरीका तकरीबन सेम है, वही अदरक लहसुन वगैरह और अंडे डाल के एक ही रेसिपी डालती है। कितने साल हो गए इसको? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए और तो अपने पास क्या क्या चीज़ें ये? हमारे पास चिकन टिक्की होती है, शामी टिक्की होती है, बर्गर शवारमा होता है हमारे पास, शामी बर्गर होता है, चिकन बर्गर होता है, जिंगर बर्गर होता है, जिंगर टावर बर्गर होता है, चिकन टावर बर्गर होता है। तो बर्गर वगैरह कब लगते हैं? बर्गर शाम को लगता है। अच्छा कितने बजे टिक्कियां लगती हैं? टिक्कियां सुबह 12 से शुरू होती हैं, रात 2 बजे तक होती हैं।
रात 2 बजे तक टिक्कियां भी चलेंगी और साथ बर्गर वगैरह भी चलेंगे। सही हो गया, जबरदस्त काम है माशाल्लाह। और आवाम का जो रिस्पांस है ना वो बहुत अच्छा है, मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि अभी टिक्कियां रेडी हो गया और बस मेला ऐसे ही लगा। जबरदस्त काम है माशाल्लाह। और खुशबुएं, ये नान वाला क्या सीन है अंदर? ये नान मेथी लगाते हैं ऊपर। अच्छा, मेथी लगाते हैं तो ये इससे क्या सॉफ्ट हो जाता है? जबरदस्त भाई, कमाल हो गया भी अंडा डाल दी। सही, मतलब दोनों टिक्कियों में, इस वाली में भी अंडा और इसमें भी। सही हो गया। अभी मैंने आपका, अच्छा ये वाली जो दाल है ये दाल चिकन है और ये सिंपल चिकन है, तो ये कितने की प्लेट है? ये फुल 500 की है, हाफ 250 की, फुल 500 की। और ये वाली ये फुल 300 की, हाफ 150 की। मतलब कि ये बहुत सस्ती है दाल चिकन। और भाई चेक करो, चिकन अंडे और दाल, कमाल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और ये टिक्की सबसे ज़्यादा इनकी चलती है। अभी टिक्की ज़रा दोबारा रेडी हो रही है और आवाम का रश लगना शुरू हो गया है। ये दो दुकानें छोड़ के इनकी सीटिंग है, वो अंदर तक भी और ऊपर भी सारी इन्हीं की सीटिंग है। चलो भाई, इतनी देर बाद हमारी टिक्कियाँ आ गई हैं और साथ कमाल के जो फ्राई नान है कसूरी मेथी वाले, कि हम लोगों ने हाफ चिकन टिक्की मंगवाई है और साथ हाफ इनकी वो जो शामी है, अंडा शामी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान गीले गीले से नहीं होते जैसे उस तरह जो होंगे पकड़े, बिस्मिल्लाह कर। ये देखो ज़रा पीछे से वो जैसे पसीना आया होता है नान को, इस तरह का हो गया है लेकिन वो फ्राई हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जबरदस्त, क्या मसालों के फ्लेवर्स आए हैं। अच्छा, मिर्चें नहीं है, लाइट सी टिक्की है लेकिन है बहुत कमाल की, एक अलग बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है। और प्रॉपर ये जो कसूरी मेथी लगी हुई है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो रहा है नान के अंदर। जबरदस्त, भाई लेवल है। मुझे लग रहा था ये खुशबू के लिए, लेकिन क्या खुशबू आ रही है इसकी और फ्लेवर आ रहा है प्रॉपर। यार टिक्कियाँ बहुत अच्छी हैं, एवं नहीं पुलिस वाले पीछे लगे हुए लाइनों में। ये वही जगह मैंने देखी जहाँ पर पुलिस वाले भी भाई सारे लाइनों में लग के अपनी टिक्की ले रहे हैं। अच्छा, ये टिक्की बहुत मज़े की लग रही थी मुझे जब बन रही थी, काली मिर्च के छट्टे लग रहे थे और साथ अंडा डल के फुल मज़ेदार। भाई कह रहे थे कि हमारी जो चिकन वाली टिक्की है वो ज़्यादा मज़े की है, लेकिन जो मर्ज़ी है ना चिकन वाली टिक्की, दाल वाली टिक्की का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यार क्या क्रीमी टिक्की है, जैसे मखनी टिक्की होती है और साथ चिकन वाला फ्लेवर और काली मिर्च का बहुत अच्छा टच है। ज़बरदस्त यार। और रायता चेक करो, रायता कितना कमाल है इनका भाई, ज़बरदस्त है। 250 की है और हाफ मंगवाई है, 150 की है और 250 की है। पैसे वसूल होते हैं और अच्छी क्वांटिटी में, 250 के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने टिक्की दी है यार। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। जिस तरह वाम का रश लगा हुआ है ना, मैं कहता हूँ कि प्रॉपर वर्थी टाइम है भाईजान। पूरे पाकिस्तान में आपको इस तरह की टिक्की नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया है। 2-4 नान हम लोगों ने सुकून से बैठ के खाए हैं और क्या मज़ा आया है। मैंने तो भाई दाल वाली टिक्की खाई है, टॉप क्लास फेवरेट हो गई है मेरी तो। लाहौर में जैसा कि गर्मियों का मौसम है, फुल गर्मी आ रही है, तो टिक्कियाँ खा के हमें भी गर्मी लग रही थी। तो इसी रोड पे आगे एक बाबा जी हैं जो कि एक शरबत लगाते हैं बहुत पुराने स्टाइल में, लाइक जैसे कोई 90s वाला स्टाइल है, 90s से भी पुराना, पाकिस्तान बनने से पहला स्टाइल है। उस तरह वो ज़मीन पे अंदर दुकान में बैठे हैं और वहाँ पे शरबत बना रहे हैं बड़े यूनिक तरीके से। और वहाँ उनके पास भी काफ़ी खड़ी है क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो यही सीज़न है शरबत वगैरह पीने का। ये अंकल का एक सेटअप लगा हुआ है छोटा सा और कितनी पुरानी शॉप है ये,
आपको पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है, बिल्कुल ओल्ड बिल्डिंग, और उसके अंदर अंकल की शॉप है। और यहाँ पे अंकल ने वो जैसे गलियों में गोले गंडे वाले नहीं फिरते, उनके पास अलग अलग बोतलें होती हैं, अलग अलग फ्लेवर होते हैं अंदर शरबत के, उसी तरह अंकल ने यहाँ पे इतनी ज़्यादा बोतलें रखी हैं और ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। ये कितने साल पुराना सेटअप है? ये हमारा कोई 60-70 साल पुराना सेटअप है। माशाल्लाह, मतलब मैं आसपास ही था कि पाकिस्तान बनने से पहले का शहर। बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, तो वही ना ओल्ड स्टाइल, बिल्कुल पुराने स्टाइल से अंकल शरबत बना रहे हैं। ये हकीमी शरबत है। अच्छा। और मुख्तलिफ किस्म के शरबत होते हैं हमारे पास, संदल का शरबत होता है, बादाम का होता है, रूह अफ़ज़ा होता है, शरबत बुज़ूरी होता है, इमली आलू बुखारी का शरबत होता है। जबरदस्त हो गया। हकीमी शरबत क्या है? ये बस ये इसमें ये कि कुछ शरबत ऐसे हैं जिनमें जड़ी बूटियाँ डालती हैं। सही है। सिर्फ कलर नहीं होता इसमें, जेनुइन असल चीज़ें भी होती हैं, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं इसमें। जबरदस्त। कोई ताकत वाला भी है शरबत? ये सारे ताकत वाले ही होते हैं क्योंकि नेचुरल है ना बिल्कुल। शरबत का मेन मकसद होता है ना, वो ठंडक पहुंचाना होता है। जबरदस्त। ये आपने बनाया? ये कौन सा शरबत है? ये मैंने बादाम और संदल मिक्स किया। बादाम और संदल मिक्स, और इसमें ये तुखम लंगा डाली है। जबरदस्त। तो हमें कौन सा पिलाएंगे? ये आपके लिए बनाया, ये ट्राई करते हैं। तीन ग्लास है। चले जी, हम लोगों ने अपना ग्लास पकड़ लिया, अंकल फुल भर के दिया और बड़ा मजे का सिस्टम है। आओ यहाँ चेयर्स पे बैठो, सुकून से शरबत पियो और गैब हो जाओ। भाई जान, 1950s की मैं मेमोरीज में आ गया हूँ और क्या यहाँ पे आके नॉस्टैल्जिक फील आ रही है। ये बंदा जो पुरानी यादों में खोया रहता है। और जो शरबत है बादाम और संदल का, उसका क्या कलर है, माशाल्लाह खूबसूरत ताकत वाला शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए 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 भाई, बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स हैं। अंकल, आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद बनाते हैं शरबत। जी जी हाँ। जबरदस्त, ऐसे नेचुरल फ्लेवर्स और मीठा भी बहुत लाइट रखा हुआ है अंकल ने। जबरदस्त। ये शरबत आप पी लो, गले भर लो, आपको एक हफ्ता गर्मी नहीं लगेगी। मेरे से लिखवा लो क्योंकि अंदर से पूरा ठंडा कर देती है, और वैसे भी ताकत वाला शरबत है। जबरदस्त। अंकल, कितने का ग्लास है? ग्लास 50 का। 50 रुपए का? जबरदस्त, बहुत अच्छी प्राइस रखी हुई है आपने। अलग अलग या कटी? बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स के साथ। अल्लाह से दुआ। शरबत हमें इतना पसंद आया कि हम लोगों ने दो बोतलें साथ ले ली हैं। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। और ये बहुत सस्ती, कोई 300-350 रुपए की पड़ी है, बहुत अच्छी। एक संदल की और एक और खालिस बादामों की। टिकियाँ वगैरह खा के मज़ेदार सा शरबत पी के हम लोग घर आ गए। उसके बाद ज़रा मैं जिम वगैरह चला गया था, तो अभी रात हो गई है। आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।